आज मैं बना रही हूँ चने की दाल की रोटी, इसको बोलते हैं, लेकिन ये पराठे ही होते हैं, फ्राई होती है और बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसके लिए हमने ले ली है 250 ग्राम दाल हमने ली थी और इसको 2-3 घंटे के लिए हमने भिगो दिया है। और ये हमने 1 लीटर पानी लिया है, जितना डलेगा मैं आपको दिखा दूँगी। तो और ये बाकी मसाले मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लाल मिर्चें ले ली है इसके अंदर, ये एक हरी मिर्च ऐसी डाल दी थी क्योंकि अभी सूखी हुई है। और ये काली मिर्चें ली हैं 1/2 चम्मच, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंगे लिए, ज़्यादा नहीं लिए हैं, 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 2 चुटकी के बराबर अजवाइन ली है और 1 चम्मच भर के ये धनिया लिया है। इन सबको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा। अभी देखिए पैन मैंने गर्म कर लिया है, बस थोड़ा सा ही इसको रोस्ट करना है, बस थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी इसको और फिर उसके बाद में इसको पीस लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मसाला पीस लिया है हमने, थोड़ा मोटा मोटा ही पीसा है, ये सब इसमें डाल देंगे हम, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर इसका। और इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 चम्मच भर के हल्दी और 1 चम्मच नमक डालेंगे हम। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा सा भून लिया है हमने, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसे हमारे पराठे में रोटी में भी खुशबू आएगी। और इसमें हम इतना पानी डाल देंगे कि दाल हमारी अच्छे से गल जाए और पानी बिल्कुल भी इसमें ना रहे। तो ये इसमें पानी आया है पूरा, 750 ग्राम के करीब पानी आया है इसमें। दाल अच्छी तरह से हमने पीस ली है और सारे मसाले इसके अंदर डले हुए हैं। अब हमें ज़्यादा इसमें मसाले डालने नहीं है, इसमें हम धनिया डाल देंगे और ये आधी प्याज डालेंगे हम इसके अंदर और हरी मिर्च डाल देंगे और आधा नींबू निचोड़ देंगे और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आटा हमने गूंद लिया था। अब मैं आपको सबसे पहले इस तरह से भर के रोटी बताऊंगी जो पहले बना करती थी रोटियां दाल भरी। तो इस तरह से 2 पेड़े लेते थे छोटे छोटे। आजकल तो एक ही रोटी के अंदर इस तरह से भर देते हैं, लेकिन पहले इस तरह से रोटियां भरी जाती थी। हमने जब से बचपन से होश संभाला था हमने ऐसे ही देखा है, इस तरह से 2 पेड़े लेते थे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते थे और इसको ऐसे साइड करके और इसको भी इतना बड़ा, ये दोनों बराबर हो गए। अब हमें जितनी इसमें दाल भरनी है हम दाल भर लेंगे। दाल को खूब अच्छी तरह बारीक पीसना, बहुत ही मज़े की दाल बनी है। इसमें मैंने मसाला जिस तरह से पीस के डाला था आप ऐसे भी डाल सकते हैं और या चाहें तो आप साथ में भी डाल के इस तरह डाल सकते हैं साबुती। ये देखिए हम इस तरह से कर लेंगे इसको। और अब हल्के हाथ से इसको हम बेल लेंगे। रोटी हमारी बिल गई। हल्का सा और दबा देंगे इसको। जितना बड़ा पेड़ा हमने लिया है उतना ही हमने लिया है इसमें और हम इसको उठाएंगे और इस तरह से अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। और आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको भी हल्के हाथ से बेल लेंगे हम। थोड़ा इसको अलट पलट के ही बेलना पड़ता है क्योंकि जिस तरफ से बेलन होता है ना उस तरफ से रोटी आटा एकदम पतला होने लगता है। और हम इस तरह से बनाते हैं, थोड़ी बहुत निकल जाती है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगती है। जब सिकती है ना ये घी में दाल, जब अंदर से निकल जाती है इनके पराठों के, तो बहुत मज़े की लगती है। तो इसकी आप फिक्र बिल्कुल भी ना करें। और ये इतना हो गया है बस, और आटा थोड़ा इसका नरम ही गूंदें क्योंकि टाइट आटा गूंदेंगे ना आप तो परेशानी हो जाएगी आपको बेलने में। ये ऐसे हो जाता है कि हम है ना हाथ से भी आराम से इसको बेल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से सेक लेंगे। देखिए कितना क्रिस्पी, कितना टेस्टी पराठा हमारा सिक गया है। ये दूसरा पराठा भी हमारा इतना अच्छा सा सिक गया है, देखिए पीछे से भी इतना अच्छा सिका है। और इसको भी हम उतार लेंगे, ये पराठे हमारे बन के सिक गए हैं।